उस आंदोलन को लेकर के किसान के आंदोलन को लेकर के एक रेफरेंस तो ये है। दूसरा रेफरेंस ये है इस कविता में भूल गलती, इसका टाइटल ही है, जो भूल गलती है वो शासक के रूप में वही शासन करती है और उसका जो द्वंद है वो किसके साथ है, ईमान है। तो भूल गलती और ईमान के बीच द्वंद जो है, ये द्वंद दरअसल क्या है, बाहर का भी है और अंदर का भी है। आंतरिक द्वंद जो हमारे यहाँ होता है, हमारे इस अंतर मन में होता है। तो आप चाहे तो इस कविता का एक मनोवैज्ञानिक रेफरेंस ये भी ले सकते हैं, इसके आधार पर भी इस कविता की व्याख्या कर सकते हैं। एक तीसरा संदर्भ सत्ता तंत्र की व्याख्या, कि सत्ता तंत्र की निर्मित कैसे होती है और सत्ता तंत्र का अंत कैसे होता है, उसके आधार पर भी आप चाहे तो इस कविता की व्याख्या कर सकते हैं। और आप याद करिए कि मैं निराला के बाद इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि निराला पढ़ाते हुए बादल रहे कैसे सत्ता का विध्वंस होता है। और निराला पढ़ाते हुए ही मैंने आपको कविता पढ़ाई राजे ने रखवाली की कविता पूरी की पूरी इस मुक्तिबोध के भूल गलती कविता के एक अंश पर जाकर के फिट बैठती है और लगता है कि निराला की कविता का एक्सटेंशन है ये। जब वो अंश आएगा कि जो सत्ता क्या होती है, डरी हुई होती है और सहमी हुई होती है, उनका डर होता है कि उसकी बनी बनाई व्यवस्था रह न जाए, क्योंकि उसी में एक पंक्ति आती है जिसे हम जो जिरह बख्तर जो पहना हुआ है लोहे का जो कवच, वो दरअसल अंत में कभी आते आते कहता है कि वो मिट्टी का बना भर भरा के गिर जाएगा। तो बेसिकली सत्ता को जब ये पता चलता है कि उसकी व्यवस्था को जिसने बना रखी है, जनता को जिस तरह से वो भ्रमित कर रहा है, जब जनता आंदोलन कर देगी तो उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था भर भरा करके गिर जाएगी। तो एक तो ये भी इसका पक्ष है। एक चौथा अंश ये भी है कि क्रांति के होने की प्रक्रिया क्या होती है। क्रांति के होने की प्रक्रिया ये होती है कि क्रांति ऐसा नहीं है कि सब लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो हो जाती है, नहीं, कभी नहीं होती। दरअसल किसी एक को आगे आना होता है, किसी एक को मुहिम में सबको पीछे से एक अपने साथ जोड़ना होता है, तब जाकर के होती है। जहां सारे लोग मिडिल क्लास के सारे लोग, ये सारे के सारे सलाहकार, ये सारे के सारे जो है पदवीधारी लोग, सारे के सारे पाली लोग और ऐसे इतिहासकार और दार्शनिक और ज्योतिष शास्त्र के जानकार, ये भी देखिए कि अब मैं इस पर बात बोलूंगा, सारे जहाँ खामोश है, मिडिल क्लास पूरा का पूरा खामोश है, वहीं पर एक व्यक्ति है जो क्या है, विरोध भी कर रहा है। तो जब भीड़ एक तरफ जा रही होती है, अमूमन भीड़ की दिशा एक ही होती है, लेकिन उसमें कोई एक आध होता है जो भीड़ के प्रतिकूल यानी कि धारा के मझधार जाने की कोशिश करता है, और जो धारा के मझधार जाने की कोशिश करता है, बेसिकली समय को बदलने का, क्रांति का आह्वान करने का, लोगों को एकजुट करने का श्रेय भी उसे जाता है। तो आप देखिएगा कि एक बहुत बारीक सी चीज ये भी है कि क्रांति होती कैसे है और क्रांति जन आंदोलन में कैसे बदलती है, कैसे जब यात्राएं अपने चरम पर पहुंच जाती है, ठिकाना कि जो है उनके चेहरे पर कटे के घाव है और उसके कपड़े लत्तर जैसे हो गए हैं और सारे के सारे शरीर पर जो है उसका लहू भान हुआ है, ये प्रतीक है किसका, कि जब व्यवस्था आतताई हो जाती है, कितना आतंक करती है, कितना आपको एकदम से जैसे कि लहू भान कर देती है, त्रस्त कर देती है, तब जाकर के ही वो साहस पैदा होता है जो साहस विरोध करता है। विरोध करने का साहस वहीं से आता है, भाई हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, जब एक वो सीमा लांघ दी जाती है तो उसके बाद हम विरोध में आ जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो आप इससे भी ये समझिए कि क्रांति होती कैसे है और क्रांति का ये जन आंदोलन वाला रूप कैसे आता है, यह भी इस कविता का एक डायमेंशन है, यह भी डेवलप होता हुआ चला। और एक पांचवा सेंस भी है इस कविता का और वो है चरित्रों का रहस्य उद्घाटन, कि चरित्र क्या है, हमारे समाज के जितने चरित्र हैं, जो पदवीधारी तमाम तरह के लोग और शासक का जो मूल चरित्र है वो क्या है, वो मूल चरित्र यह है कि भाई शासक जो होता है वो भूल और गलतियों वाला ही होता है, या हमारी आपकी भूल गलतियों से ही उसका सृजन होता है, तो हमें आपको आकार में लाता है, तो उसके वास्तविक चरित्र को भी वो खोलती है और यह भी खोलती है कि जो ऊपर से दिखता है बहुत भव्य, बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत, जरूरी नहीं है कि आंतरिक स्तर पर भी वो वैसा ही होता हो या वैसा ही होता है। और इसी तो सत्ता का चरित्र भी खुलता है
और सत्ता के साथ साथ जो है जन आंदोलन में जो लोग हैं जो लश्कर उठा रहे हैं, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा रक्त जो है धर्मा को है। अगर हम हार भी जाए मारे भी जाएंगे तो हम ही जैसे ये जो होगा ना कि हम एक दिशा देके जा रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे लोग इसका बदला लेने आएंगे, जो है अग्नि जो है वो एक क्रांति को कन्वर्ट करेगी। इसको आप स्वतंत्रता के उस एंगल से भी देखने की कोशिश करें जिस पर मंगल पांडे और जिस पर भगत सिंह जैसे लोग विश्वास करते थे और जिन्होंने कहा था कि भाई आप अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो कल को सुधार क्या है, तो हर घर के मंगल पांडे और भगत सिंह दिखाई देंगे। तो क्या है आपको ये करने के लिए पहले अपने को पर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट उसके साथ सफर करता है तो संघर्ष भी करता है, उसके साथ जाता है आगे तो उसका अनुयायी हो जाता है। एक सेंस तो एक छठा सेंस भी इस कविता का है, मैं जब केवल सेंस बता रहा हूँ, जब आप कविता में जाएंगे तो आप जब देखेंगे तो कविता उस तरह से भी खुलने लगेगी। एक छठा सेंस ये है कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद उनके बदलते हुए माइंड, इस पर कल भी मैंने बताया कि स्वतंत्रता तो हमें मिली और स्वतंत्रता में हमने एक शासक को बैठाया, लेकिन नीतिवो जैसे कि इशारा करते हैं कि ये शासक क्या है, ये हमारी भूल गलती का ही परिणाम है। दरअसल हमने जिसको बैठाया है वो हमारी भूल गलती से बैठा है, वास्तव में इसे होना नहीं चाहिए था। तो ये जो और जिसे बैठा दिया है वो क्या कर रहा है, अब वो जो है सबको अपनी तरह बनाना चाहता है। ईमान की उसके दरबार में कोई जगह नहीं है, सच की उसके यहाँ कोई जगह नहीं है, और सारे लोग उसी के साथ सर मिला रहे हैं, सारे लोग उसी यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक चीज तो यह भी है, उसी तरह से आप देखेंगे कि कविता में जो मैंने कहा ना कि मन के साथ अपना जो अंतर्द्वंद है इसके साथ भी चल सकते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, व्यवस्था किस तरह से काम करती है, पूंजीवादी ताकतें किस तरह से काम करती है, जो जो कैपिटलिज्म है और जो पूंजीवाद है युवा का, उसके साथ भी इस चीज को कोरिलेट करके देख सकते हैं कि बेसिकली जो सत्ता का तंत्र है, जो शासक है, वो भी क्या है, दरअसल वो कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है तो क्या है, कैसे है, वो उसी पूंजीवाद की कठपुतली की तरह है। आप जानते ही है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं एक दृष्टि से ऐसा लगता है जान जो गर्मी होगी तो बैठते तो ऐसा लगता है जैसे कि जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको कौन बैठा रहा, एक वर्ग है ना, नहीं हम लोग नहीं बैठा रहे, भ्रम में मत रहिए। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कई बार छलावे की तरह आती है। अभी उस दिन नंदकिशोर आचार्य बोल रहे हैं तो कह रहे हैं भाई डेमोक्रेसी का जनक और डेमोक्रेसी का स्थापक किसको कहा है, ब्रिटेन को ही कहा जाता है ना, ब्रिटेन को कहा जाता है, जबकि पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद स्थापित करने वाला कौन है, ब्रिटेन। तो आप देखिए एक तरफ डेमोक्रेसी को वो स्थापित भी कर रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में उसका उपनिवेशवाद, तो ये इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। तो कई बार क्या है कि चीजें जैसे दिखती है वैसी होती है, आपको लगता है कि आप अपना वोट देकर के आए और आपने कोई प्रतिनिधि चुन लिया, लेकिन क्या आप बताएंगे कि इस देने की प्रक्रिया के पीछे जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो अपना अरबों खरबों रुपया लगाते हैं, ये पूरा का पूरा माध्यम है एडवर्टाइजमेंट से लेकर के सब कुछ को बदल देने का, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल। तो कई बार ये होता है कि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा है उसे कौन बैठा रहा है, पूंजीपति बैठा रहा है। इसलिए आप दुनिया के इतिहास के लिए ध्यान करें और देखने की कोशिश करें कि पहले सत्ता को संचालित कौन करता था, धर्म करता था, धर्म के शीर्ष पर बैठे हुए लोग करते थे, या तो मंदिर या बंटवाले लोग करते थे, या गिरजाघर या पादरी जो होता था पोप करता था। जानते हैं पोप सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था वही, उसके बाद राजा, वो तो पहली बार हुआ था, मैंने शुरू में बता ही दिया है आपको कि राजा ने अपने को सुपरसीड किया और पोप को हटाया तो कितना फसाद मचा। बहुत सारी वेब सीरीज आई है जिसमें आप इस प्रक्रिया को देख सकते हैं कि पोप और पादरी कितना शक्तिशाली है और वो वहां के जो जो राजा है या जो तावन बन रहा है उसके साथ उसका कैसा संघर्ष कर रहा है। तो पहले क्या था, धर्म जो है उसको संचालित करता था, बाद में क्या हुआ
कौन बन गया? पूंजीपति वर्ग बन गया। अब धर्म सत्ता को संचालित नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, जो पूंजीपति है वो संचालित करते हैं, उनकी कठपुतली हो जाती है चीजें। तो आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि जहां नहीं है वो किसी और की निर्मित है, वो इस तरह से आता नहीं है। तो दोस्तों आप इससे ये समझिए, जिस कविता को आप हर कविता मान करके छोड़ देते हैं, एक बार पढ़ करके छोड़ देते हैं और जिसका बहुत नोटिस नहीं लेते और आपको लगता है कि ये कविता समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं है। ये कविता आपके पूरे इस इतिहास की धारा की, आपके स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद के मायने की, आपके जीवन में क्रांति और जो जीवन है और जो हमारा जो द्वंद है उसकी कई तरीकों से पड़ताल करती है, कई तरीकों से पड़ताल करती है, बहुत ही सिंबॉलिक ढंग से, बहुत ही मेटाफोरिकल ढंग से उसकी पड़ताल करती है। और यही इस कविता की ताकत है और इसी की वजह से ये कविता हिंदी की ही नहीं हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण कविता बन जाती है। क्योंकि क्या है, ये व्यवस्था को भी क्रिटिसाइज करती है, ये पर्सन को भी क्रिटिसाइज करती है, हमारे फीलिंग्स के बीच जो स्ट्रगल कर रहा होता है उसको भी क्रिटिसाइज करती है, हमारे फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट होने की पूरी आइडेंटिटी को क्रिटिसाइज करती है, और जो मूवमेंट चलाए गए खासतौर से स्वतंत्रता के नाम पर और विकास के नाम पर उसको भी क्रिटिसाइज करती है, और इतिहास के जो कैरेक्टर्स थे अपनी अपनी भूमिका जो निभा रहे थे दरअसल उनके कामों को भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है, और मनुष्य से जैसे कि सवाल करती है, जैसे कि आपसे हमसे ये सवाल करती है, बेसिकली हम कहाँ है, क्या हम इस भूल गलती के हिस्से हैं या नहीं है, हम इस भूल गलती में शामिल है या नहीं है, हम कहीं इस भूल गलती के शिकार तो नहीं है, हम क्या अब भी भूल गलती कर रहे हैं, हम क्या उस जो जो दल है जो छापामारी करने वाली जो दल है वो जो सहारा है इसका शोषण हो रहा है बताया जा रहा है जो दबाया जा रहा है, क्या हम इसके साथ खड़े हैं या नहीं है, उनकी आवाज है या नहीं है, बस अपने में मस्त है और इसी में अभी भी व्यस्त है और इसी के सहारे हम क्या है अपनी अपनी खुशियों में त्रस्त। ये कविता का